नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल न्यूज से। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है, सऊदी अरब सरकार ने भगवद गीता का अरबी संस्करण जारी किया है। ऐसा दावा करने वालों में अतुल कुशवाहा भी शामिल हैं, जो किसान मोर्चा बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। उन्होंने लिखा है, सऊदी अरब सरकार ने अरबी में भगवद गीता रिलीज की, यहाँ तो भारत माता की जय बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो क्या है सच्चाई? क्या वास्तव में सऊदी अरब सरकार ने भगवद गीता का अरबी संस्करण जारी किया है? हमने पाया कि इस तरह की कोई भी खबर मुख्यधारा की मीडिया में नहीं छपी है। आगे इन दावों के साथ जिस तस्वीर को शेयर किया जा रहा था, उसकी पड़ताल करते हुए हम www.vina.cc नामक एक वेबसाइट तक पहुंचे। यहाँ यह बताया गया था कि एक इस्कॉन भक्त रावनारी प्रभु, जो फिलिस्तीन में पैदा हुए और 1973 में कृष्ण पंथ में शामिल हो गए, उन्होंने भगवद गीता का अरबी में अनुवाद किया था। रामनारी प्रभु की एक वेबसाइट www.ravnari.com भी है, जहां भगवद गीता का अरबी अनुवाद उपलब्ध है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने भी 1918 में भगवद गीता का अरबी अनुवाद किया था। भगवद गीता का अरबी में अनुवाद कोई 100 साल पहले की घटना नहीं है। सदियों पहले ईरानी विद्वान अल बिरूनी ने 11वीं शताब्दी में इसे आरंभ किया था। गीता ही नहीं बल्कि कई संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अरबी में अनुवाद किया था। अरविंद शर्मा की किताब स्टडीज इन अल बिरूनीज इंडिया के एक पूरे अध्याय का शीर्षक है अल बिरूनी एंड द भगवद गीता, जिसमें गीता को लेकर अल बिरूनी के नजरिए के बारे में काफी लंबी चर्चा है। इस तरह हमने देखा कि भगवद गीता का अरबी अनुवाद कई वर्षों से उपलब्ध है और यह कहना कि यह हाल में हुआ है गलत है। सऊदी अरब सरकार ने भी भगवद गीता का अरबी संस्करण जारी नहीं किया है। डिजिटल मीडिया के इस दौर में तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर जिस तरह लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ऑल्ट न्यूज़ ने इसे देखते हुए एक एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर आसानी से आप इन भ्रामक खबरों की सच्चाई जान सकते हैं और गुमराह होने से बच सकते हैं। शुक्रिया।